दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसे रायपुर वाइजैग एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। कौन सी बातें इसे खास बनाती है, इसकी वर्तमान स्थिति, किन शहरों को होगा फायदा, ऐसी तमाम बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे भारत में बन रहे कुछ नए एक्सप्रेसवे में से एक है, जो कि भारतमाला परियोजना फेज वन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। 464 किलोमीटर का ये 6 लेन एक्सप्रेसवे भारत के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के 3 राज्यों को क्रॉस करेगा, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा उड़ीसा में 240 किलोमीटर का होगा, वही 124 किलोमीटर का छत्तीसगढ़ में और 100 किलोमीटर का आंध्र प्रदेश में होगा। ये एक्सप्रेसवे अभनपुर, जो कि रायपुर के पास है, वहाँ से शुरू होकर सबुवरम विशाखापट्टनम में ख़त्म होता है। फिलहाल रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच का ट्रैवल टाइम में लगभग 13 घंटे लगते हैं। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इन दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 809 घंटे रह जाएगी। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिसमें रायपुर, धमतारी, कंकेर और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट, नवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। वहीं आंध्र प्रदेश में केवल 1 डिस्ट्रिक्ट, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। दोस्तों अब इस एक्सप्रेसवे की करंट स्टेटस की बात करें तो टेंडर काम खत्म होने को है, साथ ही में लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है और कुछ ही समय में DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्या क्या फायदा होगा। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट 3 राज्यों को जोड़ेगा, जिसमें 3 राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का ट्रैवल टाइम भी कम होगा, साथ ही में भारत का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें ऐसा एक्सप्रेसवेज मेजर रोल निभाएंगे। वहीं फ्यूचर में इसे दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन मार्च 2025 रखी गई है। तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के बनने से आपके यहाँ क्या क्या फ़ायदा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।